दोस्तों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है तथा उनके कुछ गुणों के बारे में। उनमें से एक गुण छूट गया था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास होती है, सघन होती है, तो वहां पर सघन विद्युत क्षेत्र कहते हैं उस जगह को, ठीक है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है उसको हम लोग विरल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो आप देख सकते हैं इस एरिया पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं सघन विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है विद्युत क्षेत्र की। वैसे यहाँ पर इस एरिया पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम मात्रा में होंगी, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, या विद्युत क्षेत्र कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सघन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं और इसको विरल विद्युत क्षेत्र बोलते हैं जहाँ पर तीव्रता कम होती है। इस आधार पर हम विद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक होता है एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान होती है या सभी जगह प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर होती है ये एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाती है। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होता है उसको हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस में देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, सघन विद्युत क्षेत्र है। जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम है, तो ये इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम लोग बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम लोग बोलते हैं समान विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये एक चीज छूट गया था, चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान परिमाण के बीजातीय आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव दो पोल्स प्लस माइनस, तो जब समान परिमाण के, देखिए समान परिमाण मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस, ठीक है। तो समान परिमाण के द्विजातीय आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप HCl अणु के बारे में बात करें, HCl, तो यहाँ पर होता क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके HCl बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। तो ये Cl की विद्युत ऋणता अधिक होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो साझा के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो HCl में आप देख सकते हैं H+ जो है वो H+ और Cl का माइनस, ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं दोनों, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो इसको परिभाषा को नोट कर लेते हैं, जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं ऐसे निकाय को
विद्युत विध्रुव कहते हैं, विद्युत विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। यदि आप होल सिस्टम के बारे में बात करें तो जितना परिमाण का प्लस चार्ज होता है उतने ही परिमाण का माइनस चार्ज होता है, तो आप टोटल यदि सम करेंगे तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इस पर नेट चार्ज जीरो, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, कुल आवेश शून्य रहता है, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इसमें कुल आवेश क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बट यदि आप विद्युत क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए प्लस से निकलती है और माइनस में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, इस प्रकार से यहाँ से प्लस से निकलेंगी और ये कहाँ पर जाती है, माइनस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा बट नेट चार्ज जीरो होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। अब जब आप इसको किसी और विद्युत क्षेत्र पर रखेंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, रोटेशन पाया जाएगा, घूर्णन पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आघूर्ण, इसको हम लोग स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अच्छा, आघूर्ण निकालते कैसे हैं, आपको पता ही होगा जब आप टॉर्क निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप बोलते हैं, तो बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, एक बल गुणा दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं आर क्रॉस एफ करके निकालते हैं, ठीक है, एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कैसे निकालेंगे, तो उसमें से एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर और दोनों के बीच की लंबवत दूरी मान लीजिए 2L है, इसको हमने सहूलियत के रूप में 2L लिया है क्योंकि हम लोग आवेश को जब पार्ट करके देखेंगे आगे, इसको सहूलियत के लिए 2L माने हम लोग, ठीक है। तो मान लो आवेश मान लीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू है, उनके बीच की दूरी 2L है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, स्मॉल लेटर P इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू क्रॉस 2L, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रकार से वेक्टर P भी क्या होता है, वेक्टर P यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है तथा इसकी दिशा किधर होती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा प्लीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, इसको नोट कर लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, हमने स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है वेक्टर पी का डायरेक्शन। अच्छा, इसकी मात्रक क्या होती है, वेक्टर पी का यूनिट्स, तो आप जानते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक देखिए क्यू का मात्रक होता है कूलम, एल का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है, इस प्रकार से होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब जिस प्रकार से हमने किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी, उसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो हम देखेंगे, देखिए जो विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, जब दो समान परिमाण के बीजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो अच्छा इन दोनों
आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष, ये कहलाएगा द्विध्रुव अक्ष, ठीक है। अब इस द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश यदि आप जाएं किसी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो ये पढ़ाए गए अक्ष के अनुदिश से आप निकालेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब तो जो बढ़ाया गया जो अक्ष है उसके लंबवत निकालना, ये लंबवत, तो इस लंबवत में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो कहलाता है निरक्षीय स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति मतलब बढ़ाए गए अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की गणना, ठीक है, कितना होता है। तो आप जानते हैं मान लीजिए यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज है ए और बी, ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू आवेश है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए इनका बीच का डिस्टेंस है 2L, ठीक है, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2L। इसके सेंटर पॉइंट O से, मान लीजिए इसके केंद्र O से हम लोग R डिस्टेंस पर एक बिंदु P लेते हैं, ठीक है, ये बढ़ाए गए अक्ष के अनुदिश बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ सेंटर पॉइंट O से यहाँ पर डिस्टेंस पर P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है ये देखना है, ठीक है। तो अच्छा ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए टोटल लेंथ है AB के बीच की दूरी 2L है, तो ये लेंथ हो जाएगा L और इनके बीच का लेंथ हो जाएगा L, इसलिए हमने सहूलियत के रूप में मिल लिया था विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को, ठीक है, द्विध्रुव अक्ष। अब जब हमको बिंदु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और दोनों को सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे, यही टोटल क्या कहलाएगा, टोटल उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये पहले देख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण, तो ये होता है मान लीजिए E प्लस क्यू आवेश के कारण 1/4πε0 क्यू अपान डी पी का स्क्वेयर हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस कितना है डी पी का स्क्वेयर, ठीक है, इतना। अब हम अच्छा ये डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन पे होगा विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बी पी के डायरेक्शन में इन दिस डायरेक्शन ई प्लस के आवेश के कारण, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू कहाँ पर है, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4πε0 क्यू अपान यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए पी, बीच का दूरी ए पी का स्क्वेयर हो जाएगा, ए पी का स्क्वेयर। इसको आप ए पी का मान है कितना या बी पी का मान है कितना वो भी रख सकते हैं, बी पी का मान हो जाएगा ओ पी माइनस ओ बी, मतलब ये डिस्टेंस आर माइनस एल, यह हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वेयर। ए पी का मान, ए पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस है आर इतना एल, तो आर प्लस एल, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वेयर। अच्छा डायरेक्शन कैसा होगा, प्लस क्यू का डायरेक्शन ये ई प्लस क्यू के कारण दिशा इस डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे है, ओ पी दिशा में, ये है ओ पी दिशा में,
इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू आवेश के कारण वो खींचेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट, तो प्लस को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, पी ओ डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन हो जाएगा पी ओ दिशा में, ठीक है, पी ओ दिशा में ये माइनस क्यू आवेश। नेट बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E है, तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा, E प्लस Q के कारण प्लस E माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कौन से डायरेक्शन पे, आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं, OP डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस Q P के पास में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा, माइनस Q थोड़ा दूर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए ये E प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन पे, माइनस क्यू के कारण ये E माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन पे आएगा। नेट एक डायरेक्शन पे देखेंगे तो इसको प्लस में लेंगे और माइनस क्यू वाले को माइनस पे लेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू प्लस क्यू के कारण 1/4πε0 q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये प्लस, यहाँ प्लस 1/4πε0 q/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वाला है टर्म। अब देखिए आप किस डायरेक्शन पे ले रहे हैं, OP के डायरेक्शन पे। यदि आप OP दिशा में करते हैं, OP दिशा में, तो ये सेम OP के डायरेक्शन पे ही है, लेकिन ये वाला OP के अपोजिट डायरेक्शन पे, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस करना मत भूलिएगा। E इज इक्वल टू, चलिए कॉमन ले लेते हैं, कौन सा कॉमन आ जाएगा, q/4πε0, ये कॉमन आउट हो जाएगा दोनों में, और ये हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यही सॉल्यूशन करते हैं, आगे इसका त्रिज्या गुणा करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा वही तीव्रता हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा q/4πε0 r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू q/4πε0, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर जिसे करते हैं, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl स्क्वायर, एक्सप्लेन कर दिए, अपान दोनों का स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, r माइनस एल का r प्लस एल इसका कॉमन आउट होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, चलिए इसको मिटा देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा q/4πε0, देखिए ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर में हो जाएगा, माइनस l स्क्वायर प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2rl, ठीक है। अपान a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, देखिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और देख लीजिए क्या कटेगा, उसको बता देते हैं, आर स्क्वायर कैंसर, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू q/4πε0 2rl 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसको और सरल करते हैं। अच्छा इसको विद्युत द्विध्रुव के फॉर्म में लेते हैं, हम जानते हैं जो कि P इज इक्वल टू होता है क्यू क्रॉस 2l, तो ऐसे ही फॉर्म में इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू, देखिए Q तो है ही, 2l निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 2r बचेगा, तो यह जाएगा Q इंटू 2l इंटू 2r, देखिए दो दो ने चार r और l, ठीक है, अपान 4πε0 ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। या E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेक्टर P, तो P इंटू 2R अपान 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या 2PR भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
2 PR, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आप जब देखते हैं थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं कर सकते, थोड़ा और इसको सरल करके देखते हैं कि और सरल बनता है कि नहीं। ठीक है, याद रखने के लिए तो हम देखते हैं जो वैद्युत विध्रुव होता है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू था, इनके बीच का डिस्टेंस था 2L, और इनसे R डिस्टेंस पर बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। तो आप देखते हैं इससे जो R डिस्टेंस पर बिंदु P, ये बहुत दूर होता है कंपेरेबल टू जो वैद्युत विध्रुव होता है। जो वैद्युत विध्रुव होता है उसकी विद्युत विध्रुव की लंबाई बहुत कम होती है, मतलब A का मान बहुत कम होता है कंपेरेबल टू R। मतलब इफ L इज लेस देन R, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर L के मान को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2PR अपान 4πε0 R स्क्वायर का होल स्क्वायर, L स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो कर देंगे उसके मान को। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2PR अपान 4πε0 R टू पावर 4, एक आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2π/4πε0 आर का क्यूब। ठीक है, तो ये है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना, लीजिए इज इक्वल टू 2π/4πε0 आर का क्यूब। तो इस प्रकार से हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में कैसे करते हैं, एकदम सरल है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।